लंबा कंटेंट नहीं देख पाते तो कोई बात नहीं, बी और बेस्ट क्लिप्स पे आप सब डिफरेंट पार्ट्स में बिंज वॉच कर पाओगे, पे जो कि वन ऑफ दोस थिंग्स है जो लड़कों को बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी दे सकती है। तो यार पहले तो ये समझो कि बाकी लोगों को स्पेशली लड़कियों को लड़कों की हाइट से इतना फर्क पड़ता क्यों है, क्योंकि पुराने टाइम में बहुत जरूरी था कि लड़के के अंदर प्रोटेक्टर वाली वाइब्स हो, मतलब कि हाइट लंबी होगी, मस्कुलर होगा, चौड़ा होगा तो अपनी फैमिली को बचा पाएगा। अब के सिनेरियो में उतना उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो इतने साल पुरानी चीजें हैं ये कि वो इतने ज्यादा बायोलॉजिकली घुस चुकी हैं दिमाग में लड़कियों के कि दे कांट हेल्प इट, दे विल ऑलवेज प्रेफर एक लंबा लड़का। तो मैं 100% फील कर सकता हूँ, मेरे जो भाई हैं जिनकी हाइट उतनी लंबी नहीं है उनके साथ जो जो कुछ कुछ इंस्टेंसेस हो रहे होंगे जिस वजह से उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा होगा वो मैं समझ सकता हूँ। बट हाँ पर्सनली मैंने ये उतना फेस नहीं किया क्योंकि मेरी हाइट ठीक ठाक ही है, बट एक दो बार मैंने भी सुना हुआ है कि भाई बस 6 फुट होती हाइट तो बढ़िया होता। बट ऑब्वियसली मेरे लिए पर्सनली ये कहना आसान है कि हाँ क्या हो गया, नहीं है मेरी हाइट 6 फुट तो क्या हो गया, मेरे को नहीं फर्क पड़ता लोगों से। लेकिन मैं वही सोच रहा हूँ कि किसी की हाइट 5'4" है या 5'3" है किसी लड़के की, उसको तो काफ़ी बीटी मिल जाती होगी इन चीज़ों से। एंड डेफिनेटली लड़कियों को समवेयर फ्रॉम 5'8" से लेके 6'1" तक की हाइट बेस्ट लगती है, उसके नीचे हो या उसके नीचे हो तो ऑब्वियसली अच्छी नहीं लगती, और अगर उसके ऊपर हो तो कुछ लड़कियां हैं जिनको वो उतनी अच्छी नहीं लगती अकॉर्डिंग टू जो रिसर्च स्टडी हुई थी। बट बात ये है कि कई लड़कों को लगता है कि भाई हाइट तो प्योरली जेनेटिक्स पर डिपेंड करती है, बट ऐसा शायद है नहीं, क्योंकि कुछ ऐसी कंट्रीज में स्टडी हुई कि जिन कंट्रीज का जीडीपी ज्यादा तेज बढ़ रहा था, मतलब कि वो कंट्रीज ज्यादा जल्दी अमीर हो रही थी, वहां की जो एवरेज हाइट ऑफ मेन है वो भी साथ में बढ़ रही थी। और इससे पता चला कि जो थोड़ी गरीब कंट्रीज हैं कंपैरेटिवली, जो डेवलपिंग नेशंस हैं जैसे कि इंडिया, वहां पे क्योंकि न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलता, लोगों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है तो सोते कम हैं, स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, इन रीजंस की वजह से वहां पे हाइट का इंक्रीज, एवरेज हाइट का इंक्रीज उतना था ही नहीं। तो इसका मतलब यह है कि आपको सिर्फ किस्मत पे नहीं छोड़ देना है हाइट का गेम। अगर आप 20 साल से कम की एज के हो तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल जियोगे तो आपकी हाइट 1 इंच तो एक्स्ट्रा बढ़ ही सकती है, लेकिन अगर आप 21 के हो चुके हो तो साइंटिफिकली तो पॉसिबल नहीं है। अब इकलौती चीज़ जो आप कर सकते हो वो अपना पॉस्चर एकदम स्ट्रेट रखोगे तो 0.25 इंच का फर्क तो दिखेगा ही आपकी हाइट में, क्योंकि अगर आप स्लाउच कर रहे होते हो तो आप ऑब्वियसली शॉर्टर दिखते हो, और अगर आप एकदम स्ट्रेट पॉस्चर में खड़े होते हो तो आप डेफिनेटली टॉलर मतलब दिखते भी हो, और ऑब्वियसली आप इंची टेप से भी नापोगे तो भी आपको डिफरेंस पता चलेगा। तो सब्सक्राइब टू बी योर बेस्ट क्लिप्स एंड बी योर बेस्ट मेन चैनल।